धोखाधड़ी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी थी। यहां तक कि मीडिया में भी खबर आने के बावजूद यह युवती ठगी करती रही और कुछ दुकानदारों को हजारों रुपए का चूना लगा दिया। तुकगंज थाने के सिपाही लोकेश गाथे, रामकृष्ण पटेल, शैलेन्द्र सिंह और किशोर सवालिया को थाना प्रभारी कमलेश शर्मा ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवती की तलाश में लगाया। जांच पड़ताल में गाड़ी नंबर के आधार पर युवती का पता चल गया और आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तुकगंज थाना प्रभारी कमलेश शर्मा के मुताबिक युवती उनके क्षेत्र के अलावा कुछ और थाना क्षेत्रों में भी ठगी की वारदात को अंजाम दे चुकी है। पुलिस ने आज ही उसे न्यायालय में पेश किया है जहाँ उसे जेल भेज दिया गया है। सर, कोई युवती पकड़ाई है जो फर्जी ऐप से धोखाधड़ी कर रही थी? हाँ, एक युवती है, इसने न्यू कलेक्शन के नाम से एक शॉप है अपोलो टावर पे, वहाँ पर इसने धोखाधड़ी की थी एक पेटीएम ऐप के माध्यम से। उस ऐप में, ये एक स्पूफ ऐप है, उसमें आपका मोबाइल नंबर डालकर अगर आप उसमें अमाउंट डाल देंगे तो उसके बाद वो आपको टिक होता हुआ दिखेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है, पर उसमें पैसा आता नहीं है आपके खाते में। और ये उनको ये बोल देते थे कि मेरे खाते से थोड़ा सा लेट पैसा आता है। ऐसा करके इसने 17,000 रुपये का करीब सामान अपोलो टावर स्थित न्यू कलेक्शन, एक दुकान है कपड़े की, वहाँ से लिया था और उस पर से हमने 420 का प्रकरण दर्ज किया था और उसमें सूक्ष्मता से जांच की गई और इस युवती को पकड़ा गया। कहाँ से पकड़ी है, क्या बैकग्राउंड इसका? ये एमओजी लाइन में है, रहती है यहाँ पर, इनकी एक मौसी है, उनके साथ में रहती हैं और पढ़ाई लिखाई इन्होंने भोपाल से की है। सर, क्यों देती थी? कुछ पूछताछ में बताया कि इस तरह का अपराध क्यों अंजाम दे रही थी? कुछ नहीं, इनको एक अपने मित्र के माध्यम से पता पड़ गया था तो ये इसी माध्यम से ठगी करने लगी। इन्होंने वो स्वूप ऐप डाउनलोड कर लिया। सर, इसके बाद में इसने और भी कहीं इंदौर में और भी कई शहरों में, हाँ, अभी इनसे पूछताछ की गई, उसमें इन्होंने दो तीन जगह और वारदात करना बताया है, उस संबंध में इनसे पूछताछ की गई।